देखिए सियासत तो चल रही है, लेकिन सियासत सिर्फ इनॉग्रेशन पर नहीं है। सियासत का केंद्र बिंदु वो सेंगोल भी है, जिसका कुछ वक्त पहले तक किसी को इल्म नहीं था, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जब से ये तय हुआ है कि नई संसद के अंदर सेंगोल को पावर ट्रांसफर के सिंबल के तौर पर लगाया जाएगा, तब से इस राजदंड को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस सेंगोल को इतिहास के पन्नों से ढूंढ निकाला, 28 मई को उसे लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास राजदंड के तौर पर कैसे स्थापित किया जाएगा, इसे कैसे लगाया जाएगा, मंत्रोच्चार के बीच सेंगोल के जरिए सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, उसकी रिहर्सल की तस्वीरें सामने आई। मगर दूसरी तरफ उसी राजदंड पर जमकर सियासत हो रही है। अब तक कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया था, बॉयकॉट सिर्फ इनॉग्रेशन का था। लेकिन कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और इसके जरिए सेंगोल को पावर ट्रांसफर के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाली थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, कह दिया कि ये सबका पोल कल्पना है, बोगस है। हालांकि इसके फौरन बाद एक ट्वीट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी आया। अमित शाह ने सेंगोल के नाम पर कांग्रेस से पूछ लिया कि भारतीय परंपरा से कांग्रेस को इतनी नफरत क्यों है। अमित शाह के ट्वीट का जो सार था, उसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने शब्दों में गढ़ दिया। जो धर्म का दंड है, जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। इस प्रकार से वॉकिंग स्टिक बताना, क्या ये नहीं दर्शाता कि गांधी खानदान वाकई में हमारे देश के इतिहास, हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में क्या सोचता है। कल जयराम रमेश यह भी बोलेंगे कि सत्ता का हस्तांतरण ही नहीं हुआ। जयराम रमेश देश को यह बताएं कि भारत के संविधान के मूल प्रति पर जो 23 स्केचे थे, जो चित्र थे, उसको कब, क्यों, कैसे, किसके आदेश पर हटाए गए, कांग्रेस को देश को जवाब देना पड़ेगा। जिस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजदंड को लेकर वॉर ऑफ वर्ड्स जारी थे, उसी दौरान अखिलेश यादव ने एक ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने लिखा कि सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, लगता है बीजेपी ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ चुका है। हालांकि अखिलेश के ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य ने फौरन जवाब दिया। श्री अखिलेश यादव जी, अगर उनके सलाहकार अच्छे होते तो वह ट्वीट नहीं करते। उनकी पार्टी के पास दूसरे राज्यों में कोई सांसद, विधायक, मंत्री है नहीं है, तो ये श्री अखिलेश यादव जी का अल्प ज्ञान है। लेकिन बात इतने भर पर खत्म नहीं होती, क्योंकि सेंगोल यानी राजदंड को विरोधी दल अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। किसी को इसमें धर्म विशेष का प्रतीक नजर आता है, तो कोई इसे गधा बता रहा है, तो कोई ये कहता है कि जब राजा रजवाड़ों के दिन खत्म हो गए तो फिर लोकतंत्र में राजदंड की क्या जरूरत। आप गधा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर के ऊपर। ये कोई राजा रानियों के पेट से पैदा हुए लोगों का सत्ता हस्तांतरण नहीं है। 14 संप्रदाय के नाम पर राजा महाराजाओं से जोड़ना, ये 150 करोड़ जनताओं का अपमान है। ये आर्टिकल अमेरिका की टाइम मैगजीन का जो इशू था 25 अगस्त 1947 में छपा था, जो इस विषय पे विरोध कर रहे हैं वो इस आर्टिकल को पढ़ें और थोड़ी जानकारी लें कि सेंगोल की क्या सिंबोलिज्म है। अब सेंगोल राजदंड है या धार्मिक प्रतीक, ये वॉकिंग स्टिक है या पावर ट्रांसफर का हिस्सा, इसे छिपाया गया या म्यूजियम में जानबूझकर रखा गया, इसे लेकर सियासी दलों की अपनी अपनी समझ है। लेकिन तथ्य तो यही है कि 28 मई को लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास राजदंड को स्थापित किया जाना है और ये पावर के ट्रांसफर के प्रतीक के तौर पर ही वहाँ रहेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।